अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस टाइप जो नियॉन इफेक्ट होता है वो फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल कह लो। सबसे पहले तो फाइल मेनू में जाके या तो फिर आप कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट साइज ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको साइज ले रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने लिया ये साइज, आप देख सकते हैं 1080 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स। रेजोल्यूशन मैं ले रहा हूँ 300 पिक्सेल्स और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नियॉन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड या डार्क बैकग्राउंड में जो है वो इफेक्ट सबसे अच्छा दिखता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लेयर पैनल के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे सॉलिड कलर का एक लेयर है जिसको मैं ब्लैक कलर में ले लेता हूं और ओके पे प्रेस करता हूं। फिर हमें जो टेक्स्ट ऐड करना है वो टेक्स्ट मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं। मैंने ये जो फॉन्ट लिया है इसका नाम है ग्रेट वाइट्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आपकी पसंद का कोई फॉन्ट होगा तो वो आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये सिग्नेचर स्टाइल में चाहिए था, स्क्रिप्ट फॉन्ट में चाहिए था, इसलिए मैं इसको इस फॉन्ट में ले रहा हूं। मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं, मेरा जो टेक्स्ट है ये व्हाइट कलर में मैंने टाइप किया है। कंट्रोल टी प्रेस करके इसका जो साइज है वो आप सेट कर ले कि आपको कितने साइज में ये बनाना है। मैंने मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना सेट कर लिया है। इस इफेक्ट को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन कहाँ से आएगा? एक तो फर्स्ट मेथड है कि आप इस लेयर के ऊपर जो भी आपका लेयर है उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं या तो फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको स्ट्रोक को ऑन करना है, 1 पिक्सल देके इसका कलर जो है व्हाइट लेना है। सेकेंड थिंग इज मतलब उसका इनर ग्लो है उसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर देता हूँ, सॉरी लेवेंडर कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट लेवेंडर कलर है। आपको यहाँ पे शेड दिख रहे होंगे थोड़े से या नहीं भी दिख रहे होंगे क्योंकि मैं स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, ओपेसिटी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ और ये काफी दिखने में काफी अच्छा दिखता है। तो मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा सा 34 मैं 30 तक इसकी ओपेसिटी रख देता हूँ। और सेकेंड थिंग इज मैं कलर ओवरले को अप्लाई करूंगा, इसके अंदर व्हाइट कलर में अप्लाई करूंगा क्योंकि ब्राइट दिखेगा। और लास्ट मैं इसको आउटर ग्लो का ऑप्शन ऑन कर दूंगा। ये आउटर ग्लो का ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर जाके आपको जो कलर चाहिए, मुझे यहाँ पे पर्पल कलर चाहिए था तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर को ले लिया है। और आप इसका स्प्रेड और जो साइज है वो आपके हिसाब से आपके चॉइस के ऊपर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और ब्लेंडिंग मोड के अंदर आपको ब्लेंड मोड रखना है पिन लाइट का। ये रहा आपका इफेक्ट तैयार है। इसको आप पब वगैरह के होटल्स के बैनर्स और जो डीजे होते हैं उनके जो इंस्टाग्राम के बैनर्स होते हैं काफी वो लोग नियॉन इफेक्ट यूज करते हैं तो आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा इफेक्ट है और काफी प्यारा लगता है। आप इसको यूज करके मतलब जो भी आपके टाइटल्स है तो उसको डिजाइन कर सकते हैं। इनर ग्लो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपेसिटी बढ़ा दूंगा तो थोड़ा इसमें एक थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आएगा तो ये काफी अच्छा देखेगा। मैं इसका चोक को भी थोड़ी सी बढ़ाकर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे ओके पे प्रेस कर लेता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा इफेक्टिव बनाकर आपको दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमको यूज करना है। तो मैंने एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लिया था गूगल से, उसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके मैं फोटोशॉप के अंदर ला रहा हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ये बैकग्राउंड में है ऑलरेडी। इसका हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसका लेवल जो है थोड़ा सा कम कर देते ताकि ये ज्यादा ब्राइट ना दिखे, मतलब हमारे जो आपको सुटेबल है वो हिसाब से आप कर सकते हैं। ये काफी प्यारा दिख रहा है इफेक्ट। इसके ऊपर मैं और एक लेयर ऐड कर लेता हूँ और ब्रश लेकर के मैं जूम करके यहाँ से एक कलर इसका जो कलर है उसी को पिक कर लेता हूँ। जूम आउट करके मैं बस एक बार क्लिक करूंगा, ये रहा हमारा छोटा सा ग्लो। इसको आप साइज जो है आपकी इसको आप मैनेज कर ले आपके हिसाब से ताकि ये दिखने में एकदम अच्छा दिखे। मैंने इसको थोड़ा सा बिगर कर लिया, सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसको और ये इफेक्ट काफी अच्छा दिख रहा है। और एक चीज हम कर सकते हैं कि ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाके लेयर पैनल के ऊपर
ब्लेंडिंग मोड के अंदर जा करके आप यहाँ पे ट्राई कर लो कि कौन सा वाला ब्लेंडिंग मोड आपको अच्छा लगता है। लिनियर जज, ये मुझे सुटेबल लग रहा है कि इस इफेक्ट के ऊपर ये इफेक्ट मैच हो रहा है। और आप इसके अंदर एक चीज ऐड कर सकते हैं कि ड्रॉप शेडो, थोड़ी सी ड्रॉप शेडो कर ले, टेक्स्ट में मजा आएगा। तो ये रहा आपका, ये जो इफेक्ट है ये रेडी है। आई होप कि आप सबको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरह के और भी वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो को प्लीज 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 आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। आपके जो क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।